नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उद्घाटन समारोह है और रमेश कौशिक मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर पहुंच रहे हैं। बहुत सारे विकास कार्य हैं जिनका वो शिलान्यास आज करने वाले हैं, उनका पत्थराज लगाने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं। और बड़ी बड़ी शख्सियत, राजनीतिक, सामाजिक, हर तरह की शख्सियत यहाँ पर पहुँची है। उन पूरे हल्के से और या यूँ कहा जाए कि बहुत बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर पहुँचे हैं, वो राजनीतिक रहे हैं, सामाजिक है, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे हम बात करने अब हमारे साथ BDPO है, उनसे हम बात करेंगे। साहब, आज क्या कार्यक्रम है, संक्षेप में आपसे जाना चाहेंगे। संक्षेप में ये है, आज हमारा ऑफिस का एक हाल है और एक कमरा है जी। उनके लिए MP साहब द्वारा उद्घाटन करना है। कुछ गाँव के अन्य जैसे चौपाट, चुपुड़ आदि के पत्थर यहीं से किए जाएंगे। तकरीबन कितने विकास कार्यों का उद्घाटन आज होने वाला है? आज 8 तो ये पत्थर गांव के हैं, अलग अलग गांव के, भिन्न भिन्न गांव के, और एक BDO ऑफिस का है। अब हमारे साथ रोशन लाल राणा है, उनसे भी हम बात करेंगे। स्पेशल चंडीगढ़ से पहुंचे हैं। राणा जी, किस तरह का कार्यक्रम है आज आप पहुंचे हैं? ये माननीय सांसद महोदय जी का एक वैसे तो सामाजिक सा एक प्रोग्राम था, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन और जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक उसका मौका उठाने का एक हमने सोचा है। कुछ जो सरकार की तरफ से विकास कार्य हुए हैं या होने जा रहे हैं, किसी का उद्घाटन करना है, किसी का शिलान्यास, तो उसको हमने इस कड़ी में जोड़ दिया है। तो संभवतः आए हुए सांसद महोदय से जो सरकार की जो ग्रांटें आई हुई है, विकास कार्य का पैसा आया हुआ है, उससे शिलान्यास और उद्घाटन कराने का एक मकसद। तो इसको सरकारी कार्यक्रम कहा जाए या इसको एक राजनीतिक कार्यक्रम कहा जाए? देखिए, ये वैसे तो राजनीतिक प्रोग्राम था, लेकिन हमने इसको धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से विचार विमर्श करके, सरकार से विचार विमर्श करके, इसको साझा सा एक प्रोग्राम घोषित हो गया है जी। और राजेंद्र शर्मा जी हैं, वाइस चेयरमैन हैं ब्लॉक, राजेंद्र सिंह जी हैं ब्लॉक समिति के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हैं। स्वागत है सबसे पहले कंचन टीवी पर आपका। स्वागत है सर आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पहुँचने पे। जी जी जी, आप मालाएं लेकर खड़े हैं, किन के स्वागत के लिए खड़े हैं? आज हमारे सोनीपत हल्का से सांसद हमारे रमेश कौशिक जी आ रहे हैं, जो कि विकास कार्यों के लिए, उद्घाटन के लिए वो यहाँ पधारने वाले हैं, उनके स्वागत में हम खड़े हैं। जी जी बिल्कुल, स्वागत में यहाँ पर पहुँचे हैं, विकास कार्यों की झड़ी आज लगाने वाले हैं। राजनीतिक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है? दरअसल उद्घाटन है सर ये जी, और उद्घाटन पे वो कई जगह पे जाएंगे जी, और जो विकास कार्य हुए उनका उद्घाटन करेंगे। सिंह सर, सरपंच प्रतिनिधि है रामपुरा, सरपंच साहब कार्यक्रम है, आप पहुँचे हैं, किस तरह से देखते हैं इस कार्यक्रम को? देखिए, सबसे पहले तो मैं कंचन टीवी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। ये एक विकास कार्यों का उद्घाटन है और इसके अलावा तो कोई और प्रोग्राम नहीं। उसकी तारीफ मेंबर रोड से। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है BJP पार्टी का? नहीं जी, ये इसमें ऐसी कोई दो राय नहीं, विजय शक्ति प्रदर्शन है कुछ नहीं है, ये तो एक सामाजिक, मान लो जो विकास कार्य किए थे उनका उद्घाटन है और उनकी मान लो एक धन्यवाद के लिए इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई है। धर्मगढ़ बोली के सरपंच हैं और सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं, बहुत बड़ा पद आपके पास है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जी। उतनी जिम्मेवारी के साथ आप इस कार्यक्रम में पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत मैं सारे भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि जिनको आज पता चला कि MP साहब आ रहे हैं, एक बिना बुलावे से, एक मतलब कोरोना काल में जैसे कि सभी बंधे बैठे थे, जैसे ही पता चला कि कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा है तो लोग उत्साह के साथ आए हैं, तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। बसीनी से, जैसे कि आज हमारे ब्लॉक समिति के चेयरमैन श्री राकेश जी और हमारे सरपंच एसोसिएशन के प्रधान अजीत पाल सिंह चट्ठा जी के दोनों और वाइस चेयरमैन हमारे हरमिंदर सिंह जी द्वारा ये जो प्रोग्राम किया गया है वो एक उद्घाटन समारोह है। कोरोना के बाद कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम पहली बार किया गया है ब्लॉक समिति। मंत्री जी, सबसे पहले स्वागत है कंचन टीवी पर आपका। शुक्रिया शुक्रिया जी। कोरोना काल के बाद एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पहली बार कराया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, ये प्रोग्राम जो है ना, जो चेयरमैन है हमारे ब्लॉक के जी, तो उन्होंने किया है जी, बड़ा अच्छा उनका दायरा है, बड़ा लोगों में सम्मान है, और ये प्रोग्राम कोरोना के नियमों का पालन करते हुए ही जी, एक मीटिंग है MP साहब की, जैसे विकास कार्यों की जानकारी लेना, ब्लॉक में कितने विकास कार्य हुए, क्या हुआ, कैसे हुआ जी, उसकी जो उपलब्धि ब्लॉक के चेयरमैन मेंबरान से मिलकर के जो किए, अच्छी उपलब्धि है, मैं तारीफ करता हूँ चेयरमैन की। विकास कार्य जो किए जा रहे हैं कि इसका श्रेय किसको देना चाहिए? इसका जो वैसे तो ये विकास कार्य के लिए हरियाणा में जो BJP की पार्टी की सरकार है जी,
उसको मैं श्रेय देता हूँ। आज हमारे साथ ब्लॉक समिति चेयरमैन राकेश शर्मा भी है। शर्मा जी, आपका नाम सबकी जुबान पर है, बहुत बड़ा कार्यक्रम आप यहाँ पर करा रहे हैं, या आपकी इसमें भागीदारी है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, बहुत बड़ा तो नहीं मार रही, ये तो बिल्कुल छोटा सा है जी, बहुत बड़ा तो नहीं है सर। हाँ जी, तो विकास कार्य हो रहे हैं, कैसा लगता है? क्या अगली तैयारियां की जा रही हैं? चुनाव बहुत जल्दी है, सर पर है, तो क्या उसकी तैयारी के तौर पर देखा जाए? नहीं, अगली तो कोई ऐसी तैयारी नहीं, अगली तो जैसे परमात्मा करेगा उसकी मेहर होगी वो देखेंगे, अगली तो ऐसी कोई तैयारी नहीं है। हाँ जी, तो जनता को क्या कोरोना काल में कार्यक्रम करके विकास कार्य कराए हैं, विकास कार्यों को आगे भी बढ़ावा दिया जाएगा क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है, तो और विकास कार्य कराने का लक्ष्य रहेगा आप लोगों का? देखो, जो हो पाएंगे और करेंगे, अपना प्रयास तो यही है भी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं, हम तो ये जो हमने करे भी हैं और करते आ रहे हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद है सिंगाणा गाँव के सरपंच, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस विषय में आज ये इकट्ठे हुए हैं। कंचन टीवी का आज इस कार्यक्रम में पहुँचने पर हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे सफीदों के महबूब नेता हरदिल अजीज, हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रमेश कौशिक जी आ रहे हैं, हम सभी उनके स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हैं। स्वागत के लिए इकट्ठे हुए जी। लाइन में वहीं आ जाएंगे। अरे राणा जी ने भी पढ़ा बड़ा है तेरा गला, तेरा मेरा उन्हें निवेदन करता, सभी अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में सुरेंद्र जी सरपंच एसोसिएशन, निवेदन कृपया वो आए। जोरदार तालियां एक बार हमारे सांसद महोदय के लिए। कृपया वे भी सम्मान के प्रतीक एक शॉल प्राप्त करके हमें अनुग्रहित करें। मेरा निवेदन राकेश जी शर्मा चेयरमैन, अजीत पाल जी चट्ठा और सुरेंद्र जी राणा सरपंच से उनका दिख समा सरोपा उड़ाकर स्वागत अभिनंदन कर रहा।